दोस्तों, मैं उसे ही छोड़ूंगी नहीं, मैं मूवी को ही। सलार द सीज फायर पार्ट वन इज ऑल सेट टू गेट रिलीज ऑन 22nd of December। प्रभास और प्रशांत नील का ये जो नया नवेला बहुत ही मतलब एक्शन वाला एक जो मूवी आ रहा है, इसका ऑलरेडी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर कर दिया, आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो प्रभास की भाई इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑलरेडी इसकी एडवांस में टिकट बुकिंग हो चुकी है, कहा जा रहा है अराउंड $481,000 तक प्री एडवांस बुकिंग में इसकी कमाई हो चुकी है। तो साथ में भाई एक ट्विस्ट भी है, यहाँ पे आ रही है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की डंकी, तो ये भी मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड इसकी भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये आने वाली है 21st of December, मतलब सिर्फ एक दिन के गैप में भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो प्रभास के फैन तेलुगु तमिल बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड एंड हिंदी में भी बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान ने भी भाई जवान से मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में एंट्री मारी है, उनकी फैन फॉलोइंग वैसी इंडिया में बहुत है, लेकिन तमिल तेलुगु लोग भी जरूर इनकी मूवी देखने आएंगे ऐसे लग रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन भाई बहुत ज्यादा दो सुपरस्टार्स के बीच में है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि डंकी की भाई थोड़े से एडवांस बुकिंग कम हो चुकी है एज कंपेयर टू सलार, कहा जा रहा है अराउंड ओनली $21,000 तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, टिकट जो एडवांस बिक चुके हैं उसके, ऐसे कहा जा रहा है। तो ये मतलब राजकुमार ईरानी की डायरेक्टर मूवी है, एज अ डायरेक्टर वो यहाँ पे है एंड टीम अप हुए हैं हमारे शाहरुख खान के साथ। भाई पठान जवान के बाद ये भी शायद सुपर जो एक स्टारडम कमाया है शाहरुख ने ऑलरेडी, वो सुपरस्टार है ही, लेकिन इसके साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा खासा उनका चल रहा है। तो देखते हैं डंकी या सलार, सलार या डंकी। भाई ये कंपटीशन थोड़ा सा हेल्दी हो गया है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब यार ये जो दुपती नैया है दोनों मूवीज शायद संभाल लेगी ऐसे कहा, और 2023 धमाकेदार एंड होने वाला ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आपने अगर दोनों के ट्रेलर देखे तो आपको क्या लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रणबीर के एनिमल मूवी ऑलरेडी 1st of December को रिलीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसका चल रहा है, अराउंड 500 करोड़ क्लब तक पहुंच चुकी है ऐसे कहा जा रहा है, ओनली इन वन वीक अराउंड मोर देन वन वीक हो चुका है। तो भाई मतलब रश्मिका ने भी बहुत सारी वाहवाही पाई है, संदीप वांगा रेड्डी का डायरेक्टर ये मूवी है, तेलुगु हिंदी मलयालम कन्नडा तमिल सारे लैंग्वेजेस में मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। तो कहा जा रहा है 500 करोड़ तक ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है, अराउंड 300 करोड़ इंडिया में हुआ है, जहाँ पे 30% अराउंड मतलब जो हिंदी है उसका कलेक्शन हुआ है, 28% तेलुगु एंड 20% तमिल कलेक्शन इसका हो चुका है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। 25 करोड़ मतलब करोड़ तक जो है इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है भाई, ऐसे कहा जा रहा है कि ये हुआ है आउटसाइड इंडिया। तो कुल मिला के 500 करोड़ तक ये मूवी पहुंच चुकी है, बढ़िया है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एकदम बढ़िया। तो मतलब अभी क्या ही करें यार, आपने देखी या नहीं देखी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला है भाई, पॉजिटिव फर्स्ट शो देख के आई थी मैं, वो भी चेक करना ना भूलना, और एक लाइक तो बनता है। यश राज फिल्म का स्पाय यूनिवर्स धमाकेदार एंट्री से मतलब जब से शुरू हुआ है, इसमें वॉर मूवी थी, इसमें पठान भी था, मतलब एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड अभी टाइगर 3 भी उन्होंने हाल ही में रिलीज किए जो है पार्ट ऑफ स्पाय यूनिवर्स। वॉर में हमें दिखाई दिए थे ऋतिक रोशन और पठान में भाई हमें दिखाई दिए थे शाहरुख खान। तो अब कहा जा रहा है कि टाइगर वर्सेज शाहरुख खान ये स्पाय यूनिवर्स का एक बहुत ही हैपनिंग वाला जो एक नेक्स्ट मूवी आने वाला है, वो कहा तो जा रहा था भाई मार्च 2024 में रिलीज होगा, मतलब रोलिंग होगा, लेकिन अब ऐसे कहा जा रहा है कि बिकॉज इतना मतलब टाइगर 3 जितना उनको एक्सपेक्टेड था उतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो पाया नहीं, तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन में आदित्य चोपड़ा की भाई स्क्रिप्ट में कुछ हेरा फेरी करनी पड़ेगी क्या। तो इट इज सपोज टू गेट रोलिंग ऑन 24 मतलब अक्टूबर 2024, तो शायद हमें शाहरुख वर्सेज सलमान मतलब टाइगर वर्सेज पठान में एक धमाकेदार कुछ तो दिखने वाला है भाई, ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा। तो खबरें तो यही मिल रही है कि मार्च पोस्टपोन हो गया है अक्टूबर तक, लेकिन भाई उनके जो फैंस है शाहरुख एंड सलमान के बेसब्री से वेटिंग कि भाई ये नई स्पाईगिरी कब शुरू होगी, हमें कब वो दोनों बिग स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो देखते हैं, ये सारे अपडेट्स मैं देती रहूंगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी इस कभी नो फॉर मूवी मसाला एंड बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह की चीजें की न्यूज आपको मिलती रहेंगी। सो टिल देन बहुत सारी मूवीज देखें, एंजॉय कीजिए।